सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का किया वर्चुअल लोकार्पण, प्रतिदिन 2 टन ऑक्सीजन करेगा तैयार। अनलॉक को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को किया संबोधित, कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। अनलॉक से पहले न्यू मार्केट में व्यापारियों से मंत्री विश्वास सारंग ने की मुलाकात, दुकानों के सामने बनाए बोले कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील। कोरोना काल में भाजपा और कांग्रेस के बीच गरमाई सियासत, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कविता के माध्यम से केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। हड़ताल पर गए प्रदेश के तकरीबन 3000 जूनियर डॉक्टर, पहले दिन सामान्य ओपीडी सहित इमरजेंसी सेवाएं चरमराई, 1 जून से हड़ताल पर रहेंगे जूनियर डॉक्टर। सागर में सैनिटाइजर से शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, 5 लीटर सैनिटाइजर से यूरिया कलर और पानी मिलाकर बनाते थे 800 बोतलें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अनलॉक जरूरी या मजबूरी। अनलॉक को लेकर कई सारे जो प्रदेश हैं, देश के कई राज्यों ने अब अनलॉक करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज ही दिल्ली ने अनलॉक किया है। कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से कम हुए हैं, जिससे लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद बढ़ी थी, मगर कोविड 19 का खौफ ऐसा है कि कोई भी राज्य तुरंत पूरी तरह अनलॉक करने से बच रहा है। देश के किस राज्य में लॉकडाउन बढ़ा है और कहां घटा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा है मगर अनलॉक की शुरुआत है। यूपी में अब छूट के साथ जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे 14 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में जिलों पर छोड़ा गया है इसका फैसला। उत्तराखंड और बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ सिक्किम में भी 31 मई तक लॉकडाउन है। केरल में छूट के साथ हफ्ते भर लॉकडाउन बढ़ा है। गोवा में 7 जून तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। हिमाचल में भी बढ़ा है लॉकडाउन मगर थोड़ी राहत दी गई है। ओडिशा में भी अभी 1 जून तक लॉकडाउन है। मिजोरम की बात करें तो 6, मेघालय में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। मणिपुर के 7 जिलों में 11 जून तक लॉकडाउन रहेगा। नागालैंड में भी 11 जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। अरुणाचल के 7 जिलों में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। पुडुचेरी में 7 जून की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन रहेगा। चंडीगढ़ में 31 मई तक नाइट और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। तमिलनाडु कर्नाटक में भी 7 जून तक लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 जून तक पाबंदियां बढ़ाई हैं। गुजरात के 36 शहरों में 4 जून तक नाइट कर्फ्यू। हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा। जम्मू और कश्मीर में भी 31 मई तक लॉकडाउन। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सोमवार को प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बंद कमरे में 1 घंटे की बैठक हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर पार्टी में हलचल जरूर है। इसकी वजह है बंगाल चुनाव के बाद विजयवर्गीय को अस्थायी तौर पर कोई नई जिम्मेदारी नहीं मिलना और प्रदेश में सक्रिय होना है। इस मुलाकात पर कैलाश विजयवर्गीय बोले, जहां कोई नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां राजनीतिक चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन इस मुलाकात में कोई नया समीकरण नहीं बन रहा। मैं 6 महीने बाद भोपाल आया हूँ मित्रों से मिलने। वहीं कांग्रेस ने कहा है मध्य प्रदेश में खेल चालू है।
केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर हमेशा बहस होती रहती है और कई बार इस देश के प्रजातंत्र के व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रहती है, पर सब अपनी अपनी मर्यादा में काम करते हैं। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये समझती हैं कि मैं इस प्रदेश की प्रधानमंत्री हूँ, और देश के प्रधानमंत्री को यदि वो कुछ नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि संघीय ढांचे का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है, और उनके इस अहंकारी व्यक्तित्व की मैं निंदा करता हूँ। हाँ, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। लगातार कोरोना से ठीक संकेत प्रदेश के अंदर आते जा रहे हैं। कोरोना के आज नए मामले 1205 आए हैं और ठीक होके जाने वालों की संख्या 5023 है। लगभग 5 गुने के आसपास ठीक होके जा रहे हैं लोग। सुखद समाचार है, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, वेंटिलेटर, आईसीयू, सीसीयू, किसी चीज की दिक्कत आज प्रदेश में कहीं भी नहीं आ रही है। संक्रमण दर सिर्फ 1.59 ही रह गई है। संकट का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे खोलते हुए अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस बीच ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के शासकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का अपने निवास से वर्चुअल लोकार्पण किया। इस संबंध में बताते चलें कि कोरोना महामारी के संकट काल में ऑक्सीजन की समस्या दूर करने के लिए चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा 1.2 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट मेडिकल कॉलेज रतलाम में स्थापित किया गया है, जहां मेडिकल कॉलेज रतलाम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त एवं जिला कोविड प्रभारी जगदीश देवड़ा, विधायक रतलाम चैतन्य कश्यप, सांसद गुमान सिंह डामोर उपस्थित रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। रतलाम समेत आसपास के क्षेत्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसी का अनुसरण करते हुए कोरोना संकट के दौरान जब ऑक्सीजन की दिक्कत आई, अब वो दिन मैं भूल नहीं सकता जब मैं दिनों रात एक एक टैंकर को ट्रैक करता था, कहां पहुंचा, कहां रुक तो नहीं गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, ऑक्सीजन कहीं रुक नहीं जाए। रात रात भर जग के टैंकरों की रखवाली करना, रास्ते में कोई रुक नहीं जाए, ड्राइवर सो नहीं जाए, कहीं खड़ा नहीं रह जाए, कहीं कोई रोक नहीं ले। और बाद में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने एयरफोर्स के विमानों से भी खाली टैंकर भेजे, रेल ऑक्सीजन रेल चलाई, तो वो एक काम था व्यवस्था करने का ऑक्सीजन की। लेकिन रतलाम मेडिकल कॉलेज जो अपने लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है, जैसा आप बता रहे थे। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश के साथ साथ राजधानी भोपाल को भी अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जून से भोपाल को धीरे धीरे खोल
खोला जाएगा, लेकिन बंदिशों के साथ। अनलॉक के बाद संक्रमण ना फैले, इसको लेकर सरकार व प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार न्यू मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने मार्केट खोलने के पहले व्यापारी वर्ग को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और करवाने के लिए समझाया। साथ ही सुरक्षित शारीरिक दूरी पूरी तरह से पालन हो, इसके लिए दुकानों के सामने गोले भी बनाए। इसलिए हमने कोरोना सेफ्टी टीम CST का गठन किया, जिसमें हमारे राजस्व, पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। वो ये उनको अलग अलग हिस्सा बांटा गया है मार्केट का, अलग अलग उनका कार्य क्षेत्र होगा और उस कार्य क्षेत्र में आने वाली दुकानों पर प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, इसकी व्यवस्था वो दल करेगा और उसके बाद ये सुनिश्चित करेगा कि हम व्यवसाय भी चलाएं पर संक्रमण ना बढ़े। इंदौर को 1 जून से अनलॉक करने को लेकर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। बैठक में अनलॉक को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की गईं। बैठक के बाद सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की गई है। भोपाल में मध्य प्रदेश के तकरीबन 3000 जूनियर डॉक्टर्स 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार से लिखित आदेश मांगा है। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल के पहले दिन सोमवार को सामान्य OPD सहित इमरजेंसी सेवाएं को बंद रखा और सिर्फ कोविड मरीजों का इलाज किया और 1 जून से पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। जूडो की हड़ताल पर जाने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और कोरोना और ब्लैक फंगस के इलाज पर इसका असर पड़ सकता है। जूडा की हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ऐसे समय हड़ताल पर जाना ठीक नहीं है, पीड़ित मानवता को डॉक्टर्स की जरूरत है। जूडा की 4 मांगे मानी गई हैं, स्टाइपेंड बढ़ाने की प्रोसेस जारी है। हमारी क्या है कि पिछले 3-4 महीने से हम लगातार गवर्नमेंट से हमारे कुछ जो मुद्दे थे बेसिक, उनके लिए बार बार डिमांड कर रहे हैं। उससे 2-3 बार जो सरकार है उसने हमसे वादा किया, लेकिन उस वादे को निभाया नहीं। पिछली बार 2 बार हमारे आंदोलन हुए, जिसको हमने सरकार के आश्वासन के बाद हमारी जो स्ट्राइक का जो फैसला था उसको वापस ले लिया। पिछले मंथ जो था उसमें इसी मंथ के 6 तारीख को माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के साथ जूडा के एक डेलीगेशन ने मीटिंग की। उसमें हमारी बहुत सारी डिमांड थी, उसके लिए कुछ चीज़ों पे वो एग्री हुए और सरकार की तरफ से एक प्रपोजल बना के आगे बढ़ा दिया गया। वो मान ली गई, पर वो हठधर्मिता दिखा रहे हैं। इस समय पर ये ठीक नहीं है और ये सीधे सीधे मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग है। होशंगाबाद जिले के सोहागपुर विधानसभा के भाजपा विधायक विजय पाल सिंह लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगा रहे हैं और ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने पर विधायक विजय पाल सिंह द्वारा प्रति पंचायत को 5,00,000 रुपये पंचायत को विकास कार्यों के लिए विधायक निधि देने की घोषणा की है। कोरोना की महामारी को देखते हुए मैंने समस्त विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अनुरोध निवेदन किया है कि हम सब लोग टीका लगवाएं, मास्क लगाएं। उसी के साथ साथ में मैंने ग्राम पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की है। बैठक के माध्यम से जनता को प्रेरित करने के लिए ग्राम पंचायत में अगर 100% वैक्सीन लगवा लेंगे तो 5,00,000 रुपये का विकास कार्य की राशि दी जाएगी। और जो नौजवान या कोई भी व्यक्ति, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता हो, जो भी व्यक्ति, 1 व्यक्ति 100 व्यक्ति को टीका लगवाएगा उसको 21,000 रुपये की नाम देने की मैंने घोषणा की है। कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश में इन दिनों भाजपा कांग्रेस की सियासत जारी है। एक बार फिर कांग्रेस से पूर्व मंत्री और राव विधायक जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर कविता के माध्यम से
कई आरोप लगाए और कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। माधवराव सिंधिया आइसोलेशन सेंटर पर मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने एवं भारतीय जनता पार्टी के चलाए जा रहे देशव्यापी विशाल अभियान सेवा के संकल्प के तहत आज दिन सोमवार को कैप्टन माधवराव सिंधिया सेवा मिशन के तत्वाधान में सेंटर पर टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। खबर सीधी से है जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे पटेल का कहना था कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज्यादा लचर है, सरकार भी यहां कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चंदेरी से है जहां भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा की केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवाही संगठन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष सौरभ सोनी ने कार्यकर्ताओं के साथ पर्यटन ग्राम प्राणपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क, सैनिटाइजर व विटामिन सी की गोलियों को वितरित किया। खबर छतरपुर से है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ आधार कार्ड पर लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बाद भी पूरे ज़िले में लोगों को ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत वैक्सीन लगवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हम लोगों ने सभी के लिए लागू किया है कि जिनको राज्य शासन और केंद्र शासन द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स में रखा गया है, हमारे यहाँ के जितने कर्मचारी हैं और जिनको शासन द्वारा पहले ही चरण में, मतलब दूसरे चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद ही उनको वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो है उपलब्ध करा दी गई थी, तो अगर उन्होंने अभी तक नहीं लगाई है तो उन सभी के लिए लागू होता है कि वो लोग अपनी वैक्सीन जो है कम्प्लीट करें।
उज्जैन के नगर निगम कमिश्नर ने नगर निगम कर्मचारियों को वैक्सीनेट करने के लिए एक अनोखा फॉर्मूला अपनाया है। नगर निगम कमिश्नर ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा कि सभी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं, नहीं तो उनकी वेतन को रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाई है सिर्फ उन्हें ही वेतन दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम में 1600 कर्मचारी हैं जिसमें से 1100 कर्मचारी टीका लगवा चुके हैं। रविंद्र नगर में एक चोरी हुई थी दूरदर्शन के उप संचालक के घर में, तो जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारी महोदय के द्वारा शीघ्रता से पता साझी करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। इसके संबंध में श्रीमान डीआईजी साहब के निर्देशन में, एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एडिशनल साहब सीएसपी साहब के नेतृत्व में इस संबंध में पता साझी के लिए कार्य किया गया। खबर इंदौर से है जहां पिछले दिनों पलासिया थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर में दूरदर्शन के अधिकारी के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं चोरी के आरोप में पलासिया पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों में एक खरीददार भी शामिल है जिसने चोरी का माल खरीदा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। तो जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारी महोदय के द्वारा शीघ्रता से पता साझी करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। इसके संबंध में श्रीमान डीआईजी साहब के निर्देशन में, एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एडिशनल साहब सीएसपी साहब के नेतृत्व में इस संबंध में पता साझी के लिए कार्य किया गया। पता साझी करने के दौरान जब वहाँ मौके पर जब घटनास्थल को देखा गया तो वहाँ जो एक फुटप्रिंट मिला, वो फुटप्रिंट से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये इसमें जो वारदात में कोई महिला शामिल हो सकती है। उस आधार पर पता साझी की गई। पता साझी के दौरान जो है इसमें मुख्य आरोपी श्यामू सिलावट, ये इसको गिरफ्तार किया गया है। सिरोंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कई दिनों से सिरोंज आरोन रोड पर रात में मोटरसाइकिल सवारों से छीना झपटी व लूटमार करने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटमार का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी कई दिनों से मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने लोगों से लूटपाट करते थे। इसके 2 किलोमीटर पहले इनको लगा कि इनकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, तो वो मोटरसाइकिल पे बैठे ही बैठे पीछे साइड में विदिशा जिले के शमशाबाद जिला सहकारी बैंक से पैसे नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने बैंक के सामने वाले रोड पर जाम लगा दिया। साथ ही किसानों ने बैंक की अव्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का आरोप है कि रात भर जागकर लाइन में लगने की बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को समझाया और रोड से जाम को हटवाया। और हमारा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।